इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालना, यानी वर्गमूल निकालना। वो भी ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जिसके टुकड़े ना हो, अर्थात जिसका पेयर ना बने, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं आज सिखा रहा हूँ। तो चलिए सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना, और वो भी विद इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर आप ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते। चाहे 6 का स्टूडेंट हो, चाहे 7 का और चाहे 12 का, सभी स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है स्क्वायर रूट निकालना यानी वर्गमूल निकालना। तो आज आपकी समस्या का समाधान होने वाला, चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस वो फॉर्मूला याद कर लीजिए और उससे आप विद इन 4 सेकेंड के अंदर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला ये है अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर का जिसके टुकड़े ना हो। जिसके टुकड़े हो जाते हैं उसका तो आसानी से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम कोई भी निकाल लेता है, लेकिन जिसके टुकड़े नहीं होते उसका कैसे निकालना ये सीखिए जरा। जैसे मान लीजिए 10 का निकालना, तो 10 को क्या लिखूंगा मैं, इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर में लिखूंगा जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो 10 के नज़दीक क्या 9 है, तो 9 का हम वर्गमूल जानते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 9 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लिखा, तो प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना। अब यहाँ पर जो आया वो प्लस आया, ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से देखिए इसको लिखूंगा। जब यहाँ पर प्लस आया है तो फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। ठीक है, तो ए के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो ए के स्थान पर है 9 प्लस बी के स्थान पर कितना 1, बी के स्थान कितना है 1, 2 अंडर रूट 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना 3, यहाँ 1 लिख लिया। अब देखिए एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम कितना आ गया 6, 6 3 18 और 1 19, ये हो गया 19/6। अब 19 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3.16। तो ये आ गया हमारा वर्गमूल, किसका वर्गमूल आ गया, 10 का वर्गमूल हो गया 3.16। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। देखो इसको और सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आप चलिए देखिए सीखते हैं। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे मान लीजिए हमें निकालना 15 का, अब हमें मान लीजिए 15 का निकालना, तो हम क्या करेंगे, 15 को पहले लिखेंगे 16 माइनस 1, यानी ऐसी संख्या के लिखेंगे जो इसके पास पूर्ण वर्ग संख्या हो यानी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका, 16 का देखिए, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसका वर्गमूल लिखना। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेना, और ये वाली संख्या लिखनी है इसको डबल कर देना बस, यहाँ पे 4 का डबल हो गया 8। अब देखिए एलसीएम 4 8 32 32 में 1 गया 33/8, इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4 8 32 32 में से 1 गया 31। अब इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 3.87, तो आ जाएगा। अब देखिए ऐसे मैं इसका सिखा रहा हूँ, 34 का देखिए जरा कैसे निकालेंगे, 34 को क्या लिखेंगे बताइए, 36 माइनस 2। यस, पहले क्या लिखना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना, माइनस है तो माइनस लगा देना, 2 इसका डबल कर देना, तो 2 6 12, तो 6 6 36 36 में 1 गए कितना बचा 35/6, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 5.83, समझ आया। अब देखिए एक और मैं सिखा रहा हूँ, अब देखिए ये वाला 65 का, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, यस बताइए 64 प्लस 1, यस 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, और फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया 1 अपॉन, इसका डबल कर दीजिए 16 16 5 86 97 100 128 128 129/16, इसको डिवाइड करेंगे 129 को 16 से तो आएगा 8.06, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल विद इन 4 सेकेंड के अंदर ही निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप निकाल पाओगे।
अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ मेथड समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है वहाँ तक शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।